नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू के लिए, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर टू के लिए, उसके अंदर आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिया है, मैंने भी यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये सर्कल टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट हो गए और ये हो गए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी एंड क्यू। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी एंड क्यू में से आपने एंगल बनाया पी ओ क्यू, उसका मेजर कितना दिया है 110 और हमें फाइंड करना है ये एंगल पी टी क्यू। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर पी टी, ये ओ पी रेडियस, ये टेंजेंट, ये दोनों ऑलवेज कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, तो ओ पी परपेंडिकुलर पी टी। उसी तरह ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू टी, ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू टी। परपेंडिकुलर यानी एंगल पी इज इक्वल टू 90, ऑल्सो एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, ये दोनों एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 90। अभी ये 90, ये 90 और ये ओ का मेजर 110, तीन एंगल अपने पास है, ये फोर नंबर का एंगल मुझे फाइंड करना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा ओ क्यू टी पी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसमें से तीन एंगल अपने पास है, ये चौथा एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए चारों एंगल का प्लस 360, ओ प्लस क्यू प्लस टी प्लस पी इज इक्वल टू 360, ओ का मेजर 110, क्यू का मेजर 90, टी हमें फाइंड करना है और पी का वैल्यू 90, तीनों का प्लस 290 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस, दोनों का माइनस करो तो एंगल टी इज इक्वल टू 70, टी यानी पी टी क्यू इज इक्वल टू 70। इस तरह बिल्कुल इजी मेथड है, स्टैंडर्ड 9 में 8 में पढ़ा था उसी तरह, चारों एंगल का प्लस 360 और सिंप्लीफाई करो, आंसर ले लो। आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह स्टार्टिंग में करना है। फर्क कितना है कि यहाँ पे सेंटर के आगे 110 दिया था और यहाँ पे टेंजेंट का जो पॉइंट बाहर का पॉइंट है वहां पे आपको मेजर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 80 दिया है, ए पी बी इज इक्वल टू 80 और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है इसके अंदर फाइंड करना है आपको एंगल पी ओ ए, पी ओ ए यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर ए पी, ओ बी परपेंडिकुलर पी बी, ओ ए परपेंडिकुलर ए पी, ओ बी परपेंडिकुलर पी बी, यानी ए और बी दोनों का मेजर 90 हो गया, फिर ये 90, ये 90 और ये 80, तो आपको ये पूरा एंगल पहले ओ मिल जाएगा। तो पूरा एंगल ओ फाइंड करने के लिए इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी एंगल ए प्लस ओ प्लस बी प्लस पी इज इक्वल टू 360, ए की जगह पे 90 ओ फाइंड करना है, बी की जगह पे 90 पी की जगह पे 80, तीनों का प्लस 260 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस, माइनस करो तो 100, यानी पूरा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 हो गया। अभी पूरा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 लेकिन मुझे फाइंड करना है इतना एंगल पी ओ ए, तो उसके लिए हमने लिखना है सेंटेंस। क्या सेंटेंस लिखेंगे, देखो यहां पे सेंटेंस क्या लिखना है, तो ओ पी बाइसेक्स एंगल ए ओ बी, ये ओ पी जो लाइन है वो ए ओ बी को, ए ओ बी को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट यानी पूरा 100 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 50। तो यहां पे लिखेंगे पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू ए ओ बी डिवाइडेड बाय 2, ए ओ बी का मेजर 100, 100 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 50। क्लियर, इस तरह आपको पी ओ ए की वैल्यू मिलेगी 50। मेथड आगे जो क्या था वही, ये इतना सा पोर्शन नहीं आया, ये पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है तो पी ओ ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा 50। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दिया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने मैंने आपको समझाया था इन्फॉर्मेशन के अंदर, कॉन्सेंट्रिक यानी सेंटर ओनली 1 रहेगा लेकिन रेडियस डिफरेंट रहेगा। देखो अंदर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3, यानी कि दो सर्कल आपको ड्रॉ किए, उसमें छोटे सर्कल का रेडियस 3 है और बड़े सर्कल का रेडियस 5 है, छोटे का रेडियस 3 और बड़े का रेडियस 5। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि आपको ये कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अभी देखो यहाँ पे ये ए बी बड़े सर्कल के लिए हो जाएगा कॉर्ड, लेकिन ये ए बी जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है वो छोटे सर्कल को ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, यानी छोटे सर्कल के लिए वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट। देखो अंदर लिखा है,
क्वेश्चन में लिखा है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचिस द स्मॉलर सर्कल, यानी बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, इसका मतलब ए बी छोटे सर्कल के लिए क्या हो गया, टेंजेंट। क्लियर। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करो। तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि ओ एम छोटे का रेडियस और छोटे सर्कल के लिए ए बी बनेगा टेंजेंट, तो ये ओ टेंजेंट और ओ एम बन जाएंगे परपेंडिकुलर। तो ओ एम और ए बी दोनों बनेंगे परपेंडिकुलर, तो देयर फॉर एंगल एम इज इक्वल टू 90। तो इसके अंदर भी आपको पाइथागोरस ही करना है, ओ एम बी पाइथागोरस थियरम, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ एम यानी 3 का स्क्वायर 9, एम बी स्क्वायर फाइंड करना है 5 का स्क्वायर 25, 9 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस, माइनस करो तो जाएगा 16, उसका रूट निकालो तो 4, तो एम बी की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 4। अगर एम बी 4 होगा तो कॉर्ड उसका ट्वाइस यानी डबल होगा, तो कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 2 एम बी, एम बी की वैल्यू 4, 4 टू जा 8, तो आपका कॉर्ड का लेंथ बनेगा 8 सी एम के 8 जो भी होगा वो। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और चैप्टर नंबर 10 भी फिनिश हो गया।